हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक कंपोनेंट्स में पाए जाने वाले एक मेजर डिफेक्ट श्रिंकेज के बारे में। श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज आने के पीछे का कारण क्या होता है और श्रिंकेज को हम दूर कैसे कर सकते हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि श्रिंकेज किस प्रकार का दिखता है प्लास्टिक कंपोनेंट के अंदर। दोस्तों ये देखिए, श्रिंकेज आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा प्लास्टिक कंपोनेंट्स के अंदर। ये एक प्लास्टिक कंपोनेंट में स्मॉल डिप्रेशन की तरीके का होता है, एक गड्ढा जैसा बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि श्रिंकेज आने के पीछे का कारण क्या क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे बड़ा कारण और मेजर कारण होता है श्रिंकेज आने के पीछे प्लास्टिक कंपोनेंट में, इनसफिशियंट कूलिंग टाइम। अगर आपका कूलिंग टाइम सफिशियंट नहीं है तो श्रिंकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों जनरली श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज सबसे ज़्यादा जो थिक एरिया होती है प्लास्टिक कंपोनेंट की, वहाँ पर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और श्रिंकेज आने के पीछे का दूसरा कारण होता है कि प्लास्टिक कंपोनेंट जो आप बना रहे हैं उसमें ओवर पैकिंग हो गई है। अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा आपने इंजेक्ट कर दिया है तो भी श्रिंकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा एक कारण और होता है, अगर अगर आपने इनसफिशियंट होल्डिंग स्पीड और होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम, इन तीनों को अगर आपने सफिशियंट नहीं दे रखा है तो भी श्रिंकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों श्रिंकेज जनरली आपको थिक एरिया में ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसे प्रिवेंट करना है तो पार्ट की पैकिंग को कम करिए, होल्डिंग प्रेशर स्पीड और होल्डिंग टाइम को बढ़ाइए और इसके साथ साथ आप कूलिंग टाइम को भी बढ़ा लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आप कर देते हैं तो आपके कंपोनेंट से श्रिंकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा कंपोनेंट, रेगुलर कंपोनेंट जो हम रन करते हैं उसमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी कंपोनेंट में हमें श्रिंकेज अचानक देखने को मिल जाता है कि श्रिंकेज आने लगा। सेम कंपोनेंट जो हम डेली चलाते हैं, डेली रन करते हैं, उसमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कभी किसी दिन ऐसा होता है कि हमें उसी कंपोनेंट में किसी न किसी एरिया में श्रिंकेज की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। दोस्तों ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि जो मोल्ड होता है कई दिनों से मान लीजिए मशीन पर लगा हुआ है और मोल्ड का जो है मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो मोल्ड के कूलिंग चैनल्स होते हैं उनमें से कोई एक कूलिंग चैनल आपका ब्लॉक होता है। जनरली यही देखने को मिलता है, कोई एक कूलिंग चैनल आपका ब्लॉक होता है जिसकी वजह से उस एरिया में जो है वाटर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और उस एरिया में सर्कुलेशन ना होने के कारण पार्ट के किसी स्पेसिफिक एरिया में कूलिंग जो है अनइवन हो जाती है, कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण उस एरिया में श्रिंकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उस एरिया में श्रिंकेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर रनिंग कंडीशन में आपको श्रिंकेज अचानक से ऐसे देखने को मिलता है किसी कंपोनेंट में, तो सबसे पहले आपको मोल्ड की कूलिंग पाइपलाइन चेक करनी चाहिए। आप कूलिंग पाइपलाइन चेक करेंगे, अगर ब्लॉकेज मिलती है तो ठीक है, उसको सही कराइए। अगर नहीं मिलती है ब्लॉकेज तो दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है। अगर उसका टेम्परेचर रेगुलर की तरह ठीक है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक है तो आप उसको ठीक कराइए। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आप कूलिंग टावर पे चला रहे हैं या चिलर पे चला रहे हैं, जो भी आप नॉर्मली चलाते होंगे, जब तक पानी के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ वेरिएशन नहीं आएगा तब तक श्रिंकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर श्रिंकेज की प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं पार्ट में उस जगह पे अनइवन कूलिंग मिल रही है कंपोनेंट को। दोस्तों आज हमने देखा श्रिंकेज की प्रॉब्लम क्यों आती है कंपोनेंट्स में, श्रिंकेज की प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं, श्रिंकेज की प्रॉब्लम जो आ रही है वो देखने में कैसी होती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम एक नए प्रॉब्लम्स के साथ आपको मिलेंगे और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियां आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।